नमस्कार दोस्तों, यूके एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 के कट ऑफ से संबंधित ये वीडियो है और आज हम बात करेंगे हिंदी विषय के संभावित कट ऑफ के विषय में। जी हाँ मित्रों, इससे पहले मैंने संस्कृत विषय के ऊपर जो कट ऑफ बताई है उस पर आपका अच्छा प्यार मिल रहा है और वो कट ऑफ जो है काफ़ी उस पर रिसर्च करने के बाद वो कट ऑफ मैंने दी थी। इसमें भी टाइम लिया है, हिंदी कट ऑफ को जानने परखने के बाद ही मैं इस चीज़ पर पहुंचा हूं, इस कट ऑफ तक पहुंचा हूं कि वास्तव में कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो जल्दबाजी में वीडियो बना इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि एक सही कट ऑफ तक पहुंचा जा सके, लेकिन वास्तविकता का पता तो तभी लगेगा जब वास्तव में एक फाइनल आंसर की आएगी, तभी एक सही अंदाजे तक हम पहुँच पाएंगे। लेकिन जहाँ तक के आंकड़े अभी कह रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको संभावित कट ऑफ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई तमाम लेटेस्ट न्यूज़ और कट ऑफ से संबंधित वीडियोज इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, कट ऑफ बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको विश्लेषण बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी दो पेपर थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, ये दो पेपर थे। और फर्स्ट पेपर जैसा कि होता है कि उसमें 75 क्वेश्चन थे, सेकेंड पेपर में 150 क्वेश्चन थे। ठीक है, हर एक प्रश्न जो था वो 2 मार्क का था, तो इस तरह से आपका टोटल 450 नंबर में से ये कट ऑफ बताई जा रही है। अब इसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट पेपर जो था उसका लेवल क्या रहा था, ये आपने देखा ही होगा। फर्स्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी सामान्य क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट भी एक सामान्य स्तर का करंट आया था, ये आपने देखा होगा। और इसका अगर हम एवरेज स्कोर मानकर चलें, जैसा कि मैंने संस्कृत वाले उसमें बताया था कि जो 11 अक्टूबर को पेपर हुआ था फर्स्ट पेपर, उसका एवरेज जो निकल कर आ था वो 30 से 35 आ रहा था, लेकिन ये पेपर उसके मुकाबले थोड़ा सा मेरे को इजी लगा। ठीक है, देखने में वैसे अपना एक व्यू होता है, लेकिन जहाँ तक मैंने दोनों पेपर को देखा है तो उसके नज़रिए से ये जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए पेपर आया था फर्स्ट पेपर, वो पेपर थोड़ा सा मेरे को इजी लगा। और ऐसे में इसका जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो 35 से 40 के बीच में फर्स्ट पेपर में आ रहा है। ठीक है, यानी फर्स्ट पेपर में एवरेज विद्यार्थी जो हैं वो 35 से 40 का स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, सेकंड पेपर जो है वो भी इस बार कठिन नहीं था, जैसा कि मेरा बहुत से हिंदी अभ्यर्थियों से बात हुई है, और जैसा कि पेपर का लेवल भी देखा गया था उसमें सामान्य स्तर का पेपर था, इसको हम जितना इजी भी नहीं कह सकते क्योंकि साहित्य इसमें काफ़ी पूछा गया था, इतना इजी भी नहीं था लेकिन कठिन भी नहीं था। और उस लिहाज से यहाँ पर जो पेपर का स्तर है वो कठिन नहीं था, ये चीज़ हमको माननी होगी। तीसरी चीज़ हमको ये देखनी होगी कि जो पदों की संख्या है वो सर्वाधिक है इस बार, या लगभग 1460 के आसपास ये पद हैं हिंदी में, जो कि अन्य सभी विषयों से सर्वाधिक हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें देख कर चलनी होगी। चौथी चीज़ हमें ये भी देखनी होगी कि इस बार जो है 40% का जो मामला है कि आपको दोनों पेपरों में 40-40% लाने ही होंगे। अब किसी विद्यार्थी की मान लो सब्जेक्ट में ज़बरदस्त कमांड है लेकिन वो फर्स्ट पेपर अगर क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता सेकंड पेपर से। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद भी हम इस कट ऑफ पर पहुँचे हैं। ठीक है, पेपर एक सामान्य स्तर के थे, ज़्यादा हम हार्ड नहीं कर सकते, इसीलिए ये कट ऑफ थोड़ी जो है इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है। चलिए हम अब आपको कट ऑफ बताई देते हैं। देखिए, जनरल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है इस बार 315 से 320 के मध्य रहने वाली है। जी हाँ मित्रों, इस बार संभावित है कि 315 से 320 के मध्य जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी कैंडिडेट की जो कट ऑफ है 310 से 315 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 305 से 310 के मध्य, एससी 290 से 95 और एसटी 280 से 285 तक ये कट ऑफ रह सकती है। देखिए, ये एक संभावित कट ऑफ होती है, एक अंदाज़ा होता है, वास्तविक कट ऑफ जब आएगी तभी देखा जाएगा, लेकिन जहाँ तक एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसके आसपास जो है कट ऑफ रहेगी। इसमें 2-4 नंबर प्लस भी हो सकते हैं और 2-4 नंबर माइनस भी हो सकते हैं, तो ये एक संभावित कट ऑफ होती है, एक संभावित आंकड़ा आपको बताया जाता है, कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ आपको नहीं बता सकता। ठीक है, जहाँ तक एक सर्वे के अनुसार या लोगों से बात करने के अनुसार पेपर के स्तर को देखने के बाद मेरे को ये लग रहा है कि कट ऑफ इसी के मध्य इसी के आसपास रहने वाली है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि आपके इस इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्सों को तैयार रखें क्योंकि आपको डबल जो दोगुना अभ्यर्थी यहाँ पर पास किए जाएंगे, लगभग
जो है 3000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर पास किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, प्रोविजनल लिस्ट जो आएगी उसमें 3000 अभ्यर्थी लगभग पास किए जाएंगे, दोगुने अभ्यर्थी, तो उन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। ठीक है, इतना ही आपसे इसमें कहना था। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।